तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सन। जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, इसमें अगर मैं आपको कलर करने के लिए कहूँ तो आप सन में कौन सा कलर करेंगे? येलो, रेडिश, ऑरेंज, यही कुछ कलर हैं जो कि हम इसमें करते हैं सन को दिखाने के लिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इन तीनों में से कोई भी सन का एक्चुअल कलर नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये तीनों ही सन के कलर नहीं हैं, ये बस हमको दिखाई देते हैं। सन का एक्चुअल कलर वाइट होता है। काफ़ी लोग सरप्राइज हुए होंगे, काफ़ियों को पता होगा। तो आज हम बात करेंगे कि सन का कलर हमें ऐसा क्यों दिखता है। तो वेलकम टू साई मस्ट नो। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सन। पहले हम एक बात जान लेते हैं कि सन में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहाँ पे बर्निंग नहीं हो सकती, क्योंकि बर्निंग से येलो फ्लेम आता है या फिर कोई भी कलर्ड फ्लेम जो आता है तो वो वहाँ पे नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ फ्यूजन होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन से हीलियम से ऐसे फिर चेन रिएक्शन चलती है, जिसमें कि फ्यूजन की वजह से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, प्योर एनर्जी, जिसका कलर वाइट होता है। और वही वाइट कलर जब सन से चल के धरती पे आता है तो इनके रंगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें सन के कुछ डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। तो जो सन से लाइट आती है वो प्योर वाइट आती है, तो फिर हमें डिफरेंट टाइम पे सन का कलर डिफरेंट क्यों दिखाई देता है? इसका मतलब हमारा एटमॉस्फेयर का इसमें रोल है। हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है सन के कलर में। अब हम सबको पता है वाइट लाइट कंसिस्ट 7th कलर्स, जो विबग्योर होता है, विबग्योर को अगर 7th कलर्स को मिला दिया जाए तो उससे हमारी वाइट लाइट बनती है। वाइट लाइट जब सन से आ रही होती है तो एटमॉस्फेयर की जो ऊपरी लेयर होती है वो पहले ही शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को स्कैटर कर देती है, मतलब फैला देती है। हाई फ्रिक्वेंसी लाइट को वो पहले ही स्कैटर कर देती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखने लगता है, क्योंकि जो हाई फ्रिक्वेंसी लाइट वो ऊपर के होते हैं, जैसे कि विबग्योर है हमारे पास में। जो ऊपर की लाइटें हैं जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ये सब जो है ब्लू, ये सब ऊपर ही स्कैटर हो जाती हैं क्योंकि ये शॉर्टर वेवलेंथ की होती है। और जो हायर वेवलेंथ की लाइट होती है सिर्फ वही हमारे पास तक पहुंच पाती है। और जो हायर वेवलेंथ की लाइट है उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो एक येलोइश कलर बनता है, जो कि हमें लगता है कि जो सनरेज आ रही है यहाँ पे वो येलोइश कलर की है। इसीलिए हमें जो सनरेज आती हुई दिखती है, अगर हम धूप में कहीं भी हम निकले तो हम ये कहेंगे कि यार जो सन से लाइट आ रही है वो येलोइश कलर की है। लेकिन अब बात करते हैं सन के कलर की, उसका कलर हमें डिफरेंट क्यों दिखता है। अब कुछ कलर तो पहले रेस से बाहर हो चुके हैं क्योंकि वो पहले स्कैटर हो चुके हैं, जो शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं। अब जो हायर वेवलेंथ की लाइट होती है, जब हमारा सन हमारी धरती से बहुत दूर होता है यानी कि होराइजन पे होता है, उस टाइम पे दूरी बहुत ज़्यादा होती है, तो सिर्फ हायर वेवलेंथ की लाइट ही हमारे पास तक पहुँच पाती है, हमारी आँखों तक पहुँच पाती है, इसलिए हमें उस समय सन रेड दिखता है। लेकिन जब वो होराइजन और बिल्कुल वर्टिकल के बीच में होता है उस टाइम पे हमें सन का कलर येलो दिख रहा होता है, क्योंकि दूरी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन हमने कभी नोट नहीं किया, लेकिन एग्जैक्टली 12 से 1 के बीच में या 2 के बीच में जो सन होता है, अगर उसको देखा जाए तो वो बिल्कुल वाइट दिखता है, वाइट चमक रहा होता है, क्योंकि उस समय हमारे अर्थ के सरफेस से जो डिस्टेंस होता है सन का वो बहुत कम हो जाता है, वो मिनिमम होता है, और लाइट को इतना समय नहीं मिलता कि वो स्कैटर हो पाए, और इसीलिए हमें सन उस समय वाइट दिख रहा होता है। तो यही रीज़न था कि सन के हमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। और कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही, घर में एक्सपेरिमेंट करते रहिए और बाकी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।